सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, काइन मास्टर का 5.0 जो अपडेट आया था 2 महीने पहले, उसमें जो काइन मास्टर के कुछ नए नए फीचर्स आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स आए हैं, और जो कुछ फीचर्स काइन मास्टर के पेड थे, मतलब जिसके लिए हमें पैसे देने पड़ते थे, वो फ्री हो चुके हैं। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरफेस यहाँ पर आप देख सकते हैं काइन मास्टर का आ चुका है, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स आ चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो कहीं चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई यहाँ पर इस टाइप की वीडियोज़ लाता रहता है। सो लेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले अगर हम बात करें इंटरफेस की, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरफेस हमारा जो काइन मास्टर का चेंज हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ें इसमें ऐड हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्रिएट का बटन आ चुका है, और इसके नीचे ये दिखा रहा है कि आपको क्या करना है, और यहाँ पर इसका जो काइन मास्टर का ट्यूटोरियल पेक सेटिंग वगैरह जो भी यहाँ पर वर्ड्स न्यू दिखा रहा है, प्रीमियम यूज़र है तो वो साइड में दिखा रहा है, इसका इंटरफेस साइड में हो चुका है। और यहाँ पर कुछ ऐसे स्टोर भी ऐड हो चुका है, और यहाँ पर ये आपकी साइट्स आपको दिखाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ पर फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये फॉलो का ऑप्शन है, तो आपको उसके साथ कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर ये रिकमेंडेड ऐप भी बताता है कि रिकमेंड आपको करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है, तो ये ऐड एडिशनल में हो चुका है। तो ये था जो कि यहाँ पर हमारा जो काइन मास्टर का इंटरफेस है चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसके फीचर्स के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि यहाँ पर हम वर्ड्स न्यू पर चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। कुड नॉट गेट इन्फॉर्मेशन, जैसे आप पहले डाउनलोड करेंगे इस एप्लीकेशन को, मतलब अपने नए वर्जन को जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पर इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, आप इनको पढ़ भी सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आ चुके हैं, न्यू फीचर यहाँ पर आप जो नया नया फीचर आ चुका है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कुछ फीचर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे प्रीमियम असिस्टेंस फॉर फ्री, तो यहाँ पर जो प्रीमियम असिस्टेंट है वो फ्री कर दिए हैं काइन मास्टर में, जैसे कि यहाँ पर अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं क्रिएट न्यू पर क्लिक, और यहाँ पर जैसे आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे, तो पिछला वाला जो आपने देखा होगा कि इस टाइप का नहीं था, तो यहाँ पर ये भी चेंज हो चुका है इसका इंटरफेस। यहाँ पर आप रील्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर दिखा रहा है रील्स, वीडियो, इंस्टाग्राम, तो सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये भी चेंज हो चुका है। और यहाँ पर बिट रेट वगैरह, फोटो ड्यूरेशन, आप जो ड्यूरेशन है वो भी यहाँ पर आप दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे फोटो डिस्प्ले मोड भी यहाँ पर दिखा रहा है, रैंडम, जूम, फिर तो सब कुछ यहाँ पर आपको ये चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं नेक्स्ट पर क्लिक, और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे इसको कैसे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जैसे कि यहाँ पर एक गैलरी का, अगर आपको वीडियो सिलेक्ट करना है तो आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाता है, वीडियो लेयर मिल जाता है। अगर आपको फोटो सिलेक्ट करना है तो आप फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं एक फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ, जैसा कि यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने स्क्रीनशॉट पर, और यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट ऐड कर लिया, और यहाँ पर हम इसको टिक कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर मेरे पास ये वाला स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर इसके यहाँ पर देख सकते हैं लेयर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मीडिया सेलेक्ट करके एक और क्लिप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फिर से कर लेते हैं फेसबुक या फेसबुक ही पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं इस वाले फोटो को ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इसके कुछ फीचर्स काइन मास्टर के थे, मतलब जिनके लिए हमें पैसे भरने पड़ते थे, अब वो फ्री हो चुके हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जाएंगे ब्लेंडिंग मोड पर, और यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस थे उन पे लिखा था प्रीमियम, तो उसके लिए आपको पैसे भरने पड़ते थे, उसके बाद आप उनको यूज़ कर सकते थे, लेकिन आप उसको आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आप इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। ये फीचर नया आया है, और ये जो काइन मास्टर ने फ्री में कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ की है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें हो चुकी है, अब हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट की। तो आप अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो इंटरफेस है वैसा के वैसा ही है, मतलब जैसा कि पुराना इंटरफेस था वैसे यहाँ पर भी इंटरफेस है। अब हम बात करेंगे कि काइन मास्टर के लोगों को कैसे आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पर आप जैसे मेरे पास कोई भी लोगो नहीं आता था, सॉरी यहाँ पर मेरे पास जो कोई भी लोगो नहीं आता है अभी, तो क्यों नहीं आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस टाइप से आपको एक्सपोर्ट वगैरह जो भी यहाँ पर फीचर्स हैं एक्सपोर्ट के, इंटरफेस, आप जो भी यहाँ पर लोगो वगैरह, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फीचर्स कुछ यहाँ पर काइन मास्टर में पेड थे, मतलब जिनके लिए हमें पैसे भरने पड़ते थे, वो अब यहाँ पर फ्री हो चुके हैं, मतलब अब आपको कोई भी पैसा नहीं देने पड़ेगा उनको यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड पर, और यहाँ पर जो कुछ फीचर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको हम यूज़ नहीं कर पाते थे, इनके लिए हमें पैसे भरने पड़ते थे, लेकिन अब ये फ्री हो चुके हैं, अब आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और इनको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ आ चुकी है, और काइन मास्टर ने इनको फ्री कर दिया, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये हो चुका हमारे फीचर्स जो भी काइन मास्टर में आ चुके हैं, और बाकी फीचर्स आप पढ़ भी सकते हैं, वो मैंने आपको दिखाया कहां से पढ़ना है। उसके बाद हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट की बात। तो एक्सपोर्ट वैसा का वैसा ही है जैसे कि पहले था, वैसे यहां पर भी अभी भी है, तो आप इंटरफेस जो है एक्सपोर्ट का वो वैसा ही है। तो हम कर लेते हैं अब बात कि काइन मास्टर का जो लोगो है वो कैसे रिमूव करना है। तो रिमूव तो फ्री में क्या कर सकते हैं आप, कैसे करना है ये जो इसके लिए काइन मास्टर का जो यहाँ पर रिमूव वाला ऑप्शन है, मतलब काइन मास्टर का लोगो, उसके लिए आपको पैसे भरने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में दिखाऊंगा कैसे करना है, वो मैं आपको लास्ट में ही दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फीचर्स हो चुके, अब हम जाते हैं सिंपली अपनी होम स्क्रीन पर।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने होम स्क्रीन पर। अब आपको क्या करना है, काइन मास्टर को आपको अपने डिलीट कर देना है। आपने जो भी आपको काइन मास्टर इंस्टॉल होगा उसको आपको डिलीट करना है, और नया वर्जन कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, सिंपली आपको जाना है क्रोम पर और यहाँ पर आपको करना है काइन मास्टर। तो चलिए हम यहाँ पर काइन मास्टर 5.0 मोड APK आपको सर्च कर लेना है, ये वाला आपको सर्च कर लेना है काइन मास्टर 5.0 मोड APK। उसके बाद यहाँ पर पहला साइड मिल जाएगा APK डन, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड वेट करना है नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 सेकंड वेट करना है, उसके बाद यहाँ पर ये लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड APK फाइल, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद क्लिक करने के बाद ये आपको दिखाएगा कि आपको डाउनलोड करना है या नहीं करना है। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड पे के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपका जो काइन मास्टर है वो डाउनलोड हो जाएगा और आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको जो ना यहाँ पर इसका जो लोगो है रिमूव करने की, क्योंकि वहीं से आपको रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको ये पेड एप्लीकेशन वहीं से है। तो गाइस, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।